और दोस्तों आप सबसे एक शिकायत है आप। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? हम आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आए खेत में, खेतों में हो रही थी प्याज की निराई और प्याज में बहुत ज़्यादा घास हो गया है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर उस तरफ का घास निकाल दिया गया है और इसमें घास है और बगल वाले में घास है। और एक हफ्ते से चल रहा था फाइलेरिया, जो कि घर घर दवा बांटा जा रहा था, तो उसमें किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा था खेतों में काम करने के लिए, तो इसीलिए इतना ज़्यादा घास हो गया है। और हम आए थे खेत में, तो हम अब जब तक टाइम रहेगा हम भी घास निकाल लेंगे थोड़ा बहुत। और अभी बेबी तो कुछ करने नहीं देती है और ना तो टाइम ही मिल पाता है, दिन भर उसको ये देखना पड़ता है। और जब से फाइलेरिया की दवा बांटी जा रही थी इतना मेहनत करना पड़ रहा था, दिन भर दवा बांटो, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाओ दिन भर सबकी, और फिर उसके बाद रिपोर्ट देना होता था CSC पे। अब जब तक रिपोर्ट नहीं जाती थी तब तक दिन भर का टाइम उसी में चला जाता था। प्याज अच्छे से हुआ नहीं अब की बार, और देखो अनमोल यहाँ शैतानी कर रहा है, दीवार पे चढ़ के फिर कूद रहा है, चाहे उसके पैर में चोट भी लग जाए ऐसे अनुवादी करता है। हमेशा शैतानी वाली बात अभी पढ़ के आया, होमवर्क कोई किया नहीं है। और प्याज का पौधा इतना कोमल होता है ना, थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो टूट जाता है। तो देखो प्याज अब की बार तो गड़बड़ हो ही गई है, पता नहीं कैसे क्या हो गया। जब बैठाया गया था तो बहुत ज़्यादा गजिन बैठाया गया था और पौधा पास पास ही बैठाया गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आधा पौधा सूख गया है। आप सब देख रहे हैं कि कितना दूरी दूरी पौधा है, बाकी सारा घास उग गया है। और अच्छे से खाद भी डाला गया, ऐसा गुड़ाई भी की गई थी, फिर भी पता नहीं क्या हो गया आपके खेतों में, प्याज का पौधा एकदम गड़बड़ हो गया है। अब आज निराई हो रही है घासों की, तो इसको यहाँ पे दोबारा और पौधे लगाने हैं, जहाँ जहाँ प्याज सूख गया है वहाँ पे नए पौधे लाके लगाना है। तो इसलिए आज हो रही है खेतों की सफाई। और यहाँ ना अनमोल वीडियो बना रहा था, कैमरा बहुत ज़्यादा हिला दिया है, तो बच्चा है ना अभी जान पाता नहीं है कि कितना बोलो कि हिलाना मत, लेकिन हिला देता है। और हम देखो यहाँ पर निकाल रहे थे घास, हमसे थोड़ा बहुत प्याज कट भी गया था, दो चार पेड़ कितना बचाते थे लेकिन कट भी जाता था। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हिला दिया मोबाइल। और जब खेतों में कोई काम होता है ना तो अनमोल जाता नहीं है, बस काम करने का मन करता है। वो भी मिट्टी खोद रहा था बगल में छोटी सी कुदाल लेके, वही अपना गोड़ रहा था। उसके बाद मैं बोली थोड़ा वीडियो बना दे, तो देखो वीडियो बनाने लगा, वो भी नहीं ढंग से कर पाया। और बेबी हमारी खेल रही थी तो थोड़ा इसलिए हम टाइम निकाल कर सोचे घास निकाल दें, और बहुत ज़रूरी हो गया है कि घास निकालना इसमें का, क्योंकि बहुत लेट हो गया है ना, प्याज बहुत पहले बैठाया गया था, ये लापरवाही की वजह से प्याज ख़राब हो गई। तो आप सबसे एक शिकायत है, आप सब वीडियो देखते नहीं हो, और इस समय टाइम भी नहीं मिल पाता वीडियो बनाने के लिए, कैसे भी करके छोटा वीडियो बनाकर डाल देते हैं, और इस समय थोड़ा भी व्यूज नहीं आ रहा वीडियो पे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।